तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे टर्मक्स का लुक अब कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो हे गाइस, मैं हूं एलेक्स एंड आप देख रहे हो टेक्नोलेक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि टर्मक्स में आप कस्टम बैनर कैसे बना सकते हो एंड उस कस्टम बैनर में अपना नाम को कैसे सेट कर सकते हो, या फिर आप जो नाम उसमें रखना चाहो वो नाम को आप कैसे यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो चले बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना टर्मक्स ऐप को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पहले अपडेट एंड अपग्रेड करना होगा। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए APT अपडेट एंड APT अपग्रेड का, उसके बाद एंटर कर दीजिए, आपका टर्मक्स अपडेट एंड अपग्रेड हो जाएगा। एंड जब ये अपडेट एंड अपग्रेड हो जाए तो आपको यहाँ पे एक पैकेज को करना होगा इंस्टॉल, जो कि है पाइथन, एंड एक पाइथन का मॉड्यूल भी इंस्टॉल करना होगा जो कि है लॉलकैट। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए APT इंस्टॉल पाइथन, इससे आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। एंड जब पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो आपको यहाँ पे कमांड लगाना है pip install lolcat, तो इससे पाइथन का मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो जाएगा। जब पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक कमांड लगाना है जो कि cd, एंड जैसे आप cd कमांड लिख के एंटर करोगे तो आप टर्मक्स से किसी भी डायरेक्टरी में होगे तो आप टर्मक्स के होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। एंड यहाँ पे आपको एक और कमांड रन करना है जो कि rm space .bash rc, मतलब किसी टूल से किसी बैनर को, कस्टम बैनर को ऐड किया होगा टर्मक्स में, तो वो अपने आप रिमूव हो जाएगा यहाँ से। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कस्टम बैनर को सेट कर सकते हैं। तो rm space .bash rc लिखने के बाद यहाँ पे आपको फिर से एक .bash rc नाम से एक फाइल बनाना है, तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए touch.bash rc एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम नहीं दिखेगा क्योंकि फाइल के आगे डॉट है, तो फाइल हिडन हो चुका है। एंड इसके बाद आपको उस फाइल को एडिट करना होगा, तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए नैनो स्पेस .bash rc एंड लिख करके एंटर कर दीजिए, तो .bash rc फाइल एडिटर में ओपन हो जाएगा। एंड ओपन होने के बाद यहाँ पे फाइल का जो पहला लाइन है उसमें लिखना है आपको क्लियर। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि .bash rc फाइल एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये जो फाइल होता है, ये टर्मक्स, जैसे ही आप टर्मक्स को ओपन करते हो तो ये फाइल अपने आप रन हो जाता है ओपन करते ही, तो हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए क्लियर। तो क्लियर क्या करेगा कि जब भी आप टर्मक्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे कोई और बैनर होगा या फिर नहीं भी होगा तो भी वो पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा अपने आप। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिखना है जो कि एको स्पेस, एंड यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क दीजिए, एंड इसके बीच में आप यहाँ पे अपना नाम को पेस्ट कर दीजिए। एंड ये आपको नाम कहाँ से आप इस तरह का नाम बना सकते हो तो ये भी हम वीडियो के आगे में बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो नाम पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसमें आप डबल कोटेशन मार्क के बीच में और भी कुछ ऐड कर सकते हो अगर आपको ऐड करना है तो। एंड ऐड करने के बाद आपको कोटेशन मार्क से बाहर आना है, एंड बाहर आने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला सिंबल देना है, एंड सिंबल देने के बाद स्पेस दीजिए एंड यहाँ पे लिख दीजिए लॉलकैट। एंड लॉलकैट लिखने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको एक लाइन मिलेगा जो कि PS1 से स्टार्ट हो रहा होगा, तो उस पूरे लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो मेरा नाम एलेक्स है तो आप एलेक्स के जगह पे अपना नाम रख सकते हो या फिर जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो यहाँ पे। एंड रख करके कंट्रोल S प्रेस कर दीजिए, सेव हो जाएगा। एंड कंट्रोल X प्रेस कर दीजिए, आप इस फाइल से बाहर आ जाओगे। एंड इसके बाद आप टर्मक्स से एग्जिट हो जाइए। एंड एग्जिट होने के बाद टर्मक्स को आप जैसे ही दोबारा ओपन करोगे तो आपके टर्मक्स का पूरा लुक ही चेंज हो गया होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि आप मेरे जैसा नाम कहाँ से बना सकते हो। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, मतलब उस लिंक को ओपन कर लीजिए अपने ब्राउज़र में। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में इसको ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद आपको ऊपर में दिखेगा टाइप समथिंग, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। एंड नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा टेस्ट ऑल, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या करेगा कि जो भी डिज़ाइन में आपका नाम कोई डिज़ाइन कर सकता है वो सारा डिज़ाइन एक ही बार में आपको शो कर देगा। एंड जैसे आप टेस्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो ये धीरे धीरे लोडिंग होगा। एंड यहाँ पे आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए उस डिज़ाइन के नीचे सेलेक्ट एंड कॉपी का ऑप्शन होगा, सेलेक्ट एंड कॉपी पे क्लिक करके सेलेक्ट एंड कॉपी कर लीजिए। एंड उसके बाद वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो आप। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।